अस्सलामुअलैकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में हमने आपके लिए बनाया है ये रेशे वाला हलीम, वो भी चिकन के साथ। जब से ही आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम आपको बताएं ये रेशे वाला हलीम चिकन के साथ, तो ये इजी से हलीम की रेसिपी लास्ट तक देखें। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया है ये आपके लिए। चिकन रेशा हलीम जरूर बनाएं हमारे तरीके से, यानी कि जायका दिल्ली 6 के तरीके से जरूर बनाएं। तो हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये गेहूं लिए हैं, हमने ये अपने हलीम की हर रेसिपी में दिखाए हैं, इस तरीके के व्हाइट गेहूं होते हैं, 100 ग्राम है, जिसको हमने बहुत गर्म पानी के अंदर 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। तो ये आपको इस तरह के मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन हलीम, तो हम इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे। हमारे हलीम के कमेंट आते हैं कि क्या हम इसकी जगह टूटा हुआ गेहूँ ले सकते हैं। हाँ, आप ले सकते हैं। भिगोने के बाद इसको बस हल्का सा घुमाएंगे हम दरदरा सा। 1/4 कप अरहर की दाल ले लेते हैं, इसको सांबर दाल भी कहते हैं। 1/4 कप ही हम इसके अंदर चावल लेंगे। बहुत से बंदे कहते हैं कि हलीम में चावल नहीं डालना है, जिसको पसंद नहीं हो नहीं डालें, लेकिन मैं अक्सर डालती हूँ चावल। 1/4 कप ही मूंग की धुली दाल ले लेते हैं, ये कम ही क्वांटिटी में लें, ये बहुत सारी हो जाती है। उड़द की धुली दाल है, इसको माश की दाल भी कहते हैं, और इतनी ही क्वांटिटी में ही चने की दाल डाल लेते हैं। और ये लाल मसूर की दाल है। तो ये हमारी पांचों दाल और चावल, इसको भी हम 2-3 पानी से धो लेते हैं और फटाफट शुरू करते हैं बनाना। ऑयल ले लिया है 150 ग्राम, इसके अंदर एक बड़े साइज की प्याज डाल देते हैं, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देते हैं। प्याज बस ऐसे ट्रांसपेरेंट होते ही पूरा 1 किलो बोनलेस चिकन है। 2 पीस हमने बोन के भी लिए हैं, जो हम बाद में हटा देंगे अब बोन को घोटने से पहले। तो हम ये इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट, 3 टीस्पून लाल मिर्च है, 4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला है, 2 टीस्पून नमक। ये डालकर हम इसको थोड़ा भूनते हैं। इसको 5 से 6 ही मिनट हुए हैं फुल फ्लेम पर, चिकन को हमने थोड़ा सा भून लिया है। आप चाहें तो इसमें दही डाल सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी कोई भी हलीम बना रही हूँ दही नहीं डालती हूँ, तो इसलिए मैं आज भी नहीं डालूंगी। तो अब हम इसके अंदर ये गेहूं डाल देते हैं, जिसको मैंने इस तरह से दरदरा सा कर लिया है, बहुत महीन आप नहीं करें, जरा सा पानी भी डाल दिया था मैंने। तो ये डाल देते हैं हम, और साथ में ये दालें भी डाल देते हैं, जिनको हमने कई पानी से धो भी लिया है। इसको डाल के सिर्फ मिक्स ही करना है आपको। अब हम इसमें पानी छोड़ेंगे, पहले 1 लीटर पानी डालते हैं, और अब हम इसके अंदर ये 1 लीटर पानी और डाल देते हैं। हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, तो हम इसमें 1/2 लीटर पानी और डालेंगे। इस वक्त आप इसके शोरबे को यूं करके चख सकते हैं, या फिर ऐसे अंदाजे से मेरी तरह इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक और डाल देते हैं बिना चखे ही। रमजान का महीना है तो चखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बस ये नमक डाल देते हैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून, पहले वाले नमक को जहन में रखते हुए, और इसकी लीड से इसको कवर करते हैं। जैसे ही इसमें प्रेशर बनता है और सीटी, 1 सीटी आती है या फिर आने को होती है, फौरन हम इसको स्लो फ्लेम कर देंगे और हम पकाएंगे 1.5 घंटे इसको स्लो फ्लेम पर, फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने इसको कवर कर दिया है, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। पूरे 1.5 घंटे पकाया है हमने इसको। ये देखें, ये हमें इसी तरह का चाहिए था, हम इसको पहले चला लेते हैं। हाँ, ये गाढ़ा भी हो गया है। यूं करके आप इसके गेहूं को भी देखें कि पूरे अच्छे से गल गए हैं, और ये पीसीस भी देखें कि हाँ ये गल गए हैं, जो बोन वाले हैं 1-2 पीस, ये अच्छे से गल गया है पूरा। 1-2 पीस जो इसमें बोन वाले थे उसकी बोन हम निकाल देंगे, और इसको हम घोटे से, यरिया बोन वाला है, इसको यूं करके इस वक्त आप इसकी हड्डी हटा दें, बहुत आसानी से हट जाएगी, इतना गला होना चाहिए। इसको हम ज़मीन पर रखते हैं और इसको घोटते हैं। ये देखें, हमें इसे घोटते हुए 5 से 6 मिनट हो गई हैं, लेकिन जैसा हमें रेशा चाहिए वो रेशा अभी नहीं आ रहा है। ये देखें, वो रेशा दिख रहा है, और घोटते हैं 4 मिनट इसको हम। ये 10 मिनट के करीब हो गए हैं, और जैसा हमें इसके अंदर रेशा चाहिए था वो रेशा बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। ये देखें,
बिल्कुल इसी तरह का हमें ये चाहिए था चिकन हलीम। तो बस अब करते हैं इसको डिश आउट। इस वक्त आप इसको चखें जरूर, मिर्च कम हो तो जरा सा गरम मसाला डाल दीजिए, नमक कम हो तो नमक डाल दीजिए। तो ये रेशे वाला चिकन रेशा हलीम, तो बस इसको निकाल लेते हैं हम इस थाली के अंदर। बहुत ही लाजवाब हलीम हुआ है ये तैयार। इस वक्त आप चाहें तो इसको फिर से गर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। बहुत लाजवाब हलीम तैयार हुआ है। ये हमने लाल ऑयल तैयार किया है, आप जानते हैं हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बस ऑयल गर्म करना है और उसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। हलीम की रेसिपी में पे ये वीडियो हमने आपको दिखाई थी, या फिर भूनते टाइम पूरा ऑयल हटा सकते हैं और इस तरह से बाद में डाल सकते हैं, इससे जरा सा ये अट्रैक्टिव दिखेगा। बस आप नहीं चाहें ये ऑयल डालना तो आप नहीं डालें। तली हुई प्याज डाल दें, इस वक्त आप चाहें तो इस पर छौंके का तड़का डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल देते हैं बहुत ही जरा सी, ये नींबू रख देते हैं, तली प्याज इसके ऊपर आप जरूर से डालिएगा और थोड़ा सा अदरक भी डाल देते हैं, जिसको पसंद है खा सकते हैं। तो आप ये चिकन रेशा हलीम जरूर बनाएं हमारे तरीके से, यानी के जायका दिल्ली 6 के तरीके से जरूर बनाएं। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस इजी से चिकन रेशा हलीम को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।